हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। ये देखिए, मैंने टिफिन में करेले की सब्ज़ी बनाई है, बना रही थी भुंजिया पर लेट हो रहा था, इसलिए मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया है तो पक गई है। और खोलकर पकाने से कड़वी भी नहीं लगती है। अब मैं सलाद भी काट के रख दूँगी। आज मतलब इनका पिछला वाला टाइम हो गया है। आज सुबह 5 बजे से 5:30 बजे से नहीं जा रहे हैं, आज 7 बजे जा रहे हैं सुबह। मतलब मैं 6:30 बजे उठी थी और फिर मैं टहलने गई, फिर आज 6:30 बजे आकर मैंने इनका टिफिन बना दिया है। और मुझे आज मंदिर भी जाना है। चलिए इनका टिफिन दे देते हैं हम, तो ये फिर ड्यूटी जाएंगे। कैसे हैं आप सब? ये देखिए, मैं अपना टिफिन जो इसके पापा के ड्यूटी वाले को मैं लगा दी हूँ और मैं जा रही हूँ अपना काम करने, क्योंकि आज मुझे जाना है मंदिर। पास ही मंदिर है तो ये 9 दिन मतलब नहीं गई थी, आज जाना है मुझे मंदिर, इसलिए अपना जल्दी जल्दी काम कर ले रही हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे मंदिर जाने के बाद। ओके। और मैं अपना किचन भी साफ़ कर लेती हूँ, और फिर नल आ जाएगा तो पानी भरना पड़ेगा पीने के लिए, और आंगन भी धुलना है, इसलिए मैं पहले किचन साफ़ कर लूँगी और फिर पानी भरकर मैं बर्तन धुल लेती हूँ। फ्रेंड्स, मंदिर जाना है इसलिए मैं सोची हलवा बना लेती हूँ भोग के लिए, तो मैं हलवा बनाऊँगी नहाकर, इसलिए किचन को मैं अच्छी तरह से और साफ कर लेती हूँ। मैं और मेरा लड़का उठ गया है, हो गया है वो फ्रेश होने, ब्रश करने गया है। इस समय वो भी जाता है मेरे साथ स्टेडियम में टहलने, थोड़ा सा दौड़ता है 2 राउंड और आ जाता है फिर। मैंने नहा लिया है और अपनी तैयारी भी कर ली है। थोड़ा सा मैं थोड़े से घी में ये सूजी और काजू को थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया इसमें भूनने के लिए, तो साथ ही में भून जाएगा काजू भी। सूजी को अच्छे से भून लेंगे और मैं अपनी पूजा की तैयारी भी करते जा रही हूँ इसको। और इस समय पानी रोज़ बरसता है थोड़ा थोड़ा, और पूरा बदल भी किया है। मैं इसमें पानी डाल दूंगी या थोड़ा सा दूध डाल दूंगी पकने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, हम मंदिर चलते हैं, फिर आपसे मिलूंगी। देखिए फ्रेंड्स, कैसा मौसम किया है, बदल किया हुआ है पूरा। अभी 2 बज रहे हैं और शायद पानी बरसेगा। चलिए तो मैं खा लेती हूँ, अभी थोड़ा सा सो गई थी तो वो ही मैंने जो हलवा बनाया था तो उसी को खाऊंगी। और मैंने ये दाल चढ़ा दिया है, दाल पक रही है मेरी। और ये पपीता बचा हुआ था तो मैं सोच रही थी खा लूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। और ये हलवा मैंने दूध डाल लिया है। हम लोग की आदत है कि हलवा खाते हैं जब भी, तो उसमें दूध डाल लेते हैं। ओके, तो मैं कर लेती हूँ नाश्ता, पानी मेरा यहीं रखा है। बदल किया हुआ है,
लाइट भी गोल ही हो गई फ्रेंड्स, तो मैंने इसको गैस पर ही चढ़ा दिया है। और इस समय मुनगा देख देख के खा खा के हम लोग का मन भर गया, पर इनके पापा हैं तो बोलते हैं मुनगा डालो दाल में, और दाल ही वाला मुनगा खाते हैं, सब्जी में ये नहीं खाते हैं। कहते हैं सब्जी में नहीं अच्छा लगता है, दाल में अच्छा लगता है, तो मेरे को डालना ही पड़ता है। और हम बड़ी ननंद हमारे यहाँ रहती हैं पीछे, तो उनके यहाँ मुनगा का पेड़ है, तो 2-3 दिन से रोज़ दे जाते हैं, तो डालना पड़ता है, ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना पानी बरसा है यहाँ, ये पूरा गीला है। फ्रेंड्स हो गई है शाम और इनके पापा आ गए हैं, तो मैं उनको दे दी, मतलब हलवा खाने के लिए दे दी हूँ, और चाय भी बना दिया है। अब मैं ये पालक के जो साग है बनाऊंगी, इसको मैं पीस कर बनाऊंगी। तो मैंने इसको अच्छे से तोड़कर साफ कर लिया है, अब मैं इसको काट कर आप चढ़ा दूँगी उबलने के लिए। और इसमें एक आलू भी काट कर डाल दूँगी, जिससे इसका जो रसा है वो गाढ़ा हो जाए। ये साग मेरे को मेरी बहन ने बनाना सिखाया था, मैं छोटी बहन रहती है जबलपुर में, उसे सिखाया था कि पीस कर बनाओ पालक। हम लोग जब गांव में मिलते हैं तो वो अपने यहाँ का कुछ भी बनाना सिखाती है, और मैं भी यहाँ से जो सीखती हूँ, मतलब जो मेरे यहाँ बनता है वो मैं भी बता दिया करती हूँ उसको, इसलिए हम लोग एक आलू काट के डाल दूंगी। और वैसे ही जैसे सब बनाते हैं साग, मतलब लहसुन और मिर्ची अदरक का तड़का लगा के और उसमें जीरा डालकर इसको बघार दूंगी, इसको पीस कर मतलब, और टमाटर भी पीस कर डाल दूंगी। आपको जो अच्छा लगता तो डालिए हल्दी नमक, हल्दी मिर्ची, बड़ी भी डाल दी थी, भाजी जो है थोड़ी सी सौंधी सौंधी अच्छी लग रही थी, अच्छी खुशबू आ रही थी। मैं बड़ी को ज़्यादा नहीं भूंजती हूँ, वो बस हल्का सा उसको वो करती हूँ, फिर नहीं तो उसका स्वाद मुझे अच्छा नहीं लगता, जब पूरा वो भूंज जाता है तो उसका स्वाद नहीं अच्छा आता है। और मेरी साग बनकर तैयार हो गई, पालक की भाजी बनकर तैयार हो गई। और ऐसा लगा फ्रेंड्स आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके बाय, मैं उनको खाना दे दूँगी।